हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लव क्लासेस में। LLB फर्स्ट सेम, के जो स्टूडेंट हैं उनका जो पेपर है कोड 1002, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फर्स्ट इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ वीडियो अभी बाकी हैं, कुछ जो वीडियो हैं अभी बाकी हैं, लेकिन मैं आपको उन वीडियो को अब नहीं दूंगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने वो आपको अवेलेबल करा दी है। अगर मैं उन वीडियो को आपको अब देता हूँ तो अब आपके माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, जिससे आप उन वीडियो को देखोगे और जो पहली वाली जो वीडियो है, जो आपकी पहली प्रिपरेशन हुई पड़ी है, फिर वो भी आपकी बेकार हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई है, मैंने पहले से नहीं इनको तैयार करके डाला था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब एक सॉल्यूशन और है हमारे पास कि जो बच्चे थोड़े वीक हैं, देखो हर क्लास में सभी बच्चे होशियार नहीं होते हैं, हर सेक्शन में सभी बच्चे होशियार नहीं होते हैं, जो बच्चे लॉ कर रहे हैं सभी होशियार नहीं है, या बहुत से किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं, जिनका कोई मजबूरी होती है नहीं, वो बच्चे ऐसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको ओनली 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा, जिनकी मैंने वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर डाल भी रखी है। ये 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा, आपके 50 से 60 नंबर का पेपर आपका आराम से आ जाएगा। कितने का? 50 से 60 नंबर का, बल्कि 70 नंबर तक का आपका पेपर पूरा फंस जाएगा। मैं 5 क्वेश्चनों के नाम लूंगा, आप उनकी प्रिपरेशन कर लेना, अच्छे से रेडी कर लेना, इन 5ों में ही आपके 50 से 70 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, हिंट दे दे रहा हूं आपको, अनुच्छेद 19 वाला, ठीक है, अनुच्छेद 19 वाला हमें कर लेना है। उसके बाद सेकंड वाला ये है हमारा वाक् एवं अभिव्यक्ति, ठीक है, ये वाला हम अपना क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, ठीक है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 21, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम क्या करेंगे अपना तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये वाला प्राण एवं देहिक, देहिक वाला, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम अपना कर लेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हैं 23 से 24, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है हमारा क्वेश्चन शिक्षा एवं संस्कृति, ठीक है, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ पे आ जाते हैं हम अपना भारत का जो संविधान है, यहाँ पे देखो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, संविधान एकात्मक या संघात्मक, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताई दे रहा हूँ, मौलिक अधिकार, ठीक है, ये हमारे क्या हैं 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चनों में से आपका 50 से 70 नंबर का पेपर आराम से आने वाला है। आप बेडाउट होके, बेझिझक होके, बिना नोट्स बनाए, जो मैंने वीडियो डाल रखी है बस उसकी लैंग्वेज को जाके चले जाना याद करके, और आपको सिर्फ क्या याद करने हैं, केस और आर्टिकल अपने याद कर लेना, केस आर्टिकल याद कर लेना, और जो थ्योरी है थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। थ्योरी तो अब जब मैं आपको वीडियो में पढ़ा रहा हूं तो थ्योरी आपको, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमें क्या क्या लिखना है, केस और आर्टिकल आप लिख के चले जाना, ये 6 क्वेश्चनों की प्रिपरेशन कर लेना। और जो बच्चे, और एक भी चीज़, और जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चनों की वीडियो डाली है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन,
शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो में जो प्रथम प्रथम जो छह हैं, प्रथम जो सिक्स क्वेश्चन है हमारे, उनको कर लेना, आपके शॉर्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपका इस प्रकार से ये सिक्स तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन छह हो गए हैं, और ये जो अगर आपको टाइम मिल जाए तो यहां से प्रथम छह क्वेश्चन आप देख लेना जो मैंने शॉर्ट वीडियो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाली डाली है। हालांकि डालने के लिए तो मेरे पास बहुत मटेरियल है, लेकिन आपका कल का एग्जाम है, आप तितर बितर आपका दिमाग हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक भैया जी की अभी कमेंट आई थी, भैया आवाज थोड़ी वीक हो रही है, भैया लैंग्वेज में मेरी परेशानी थी, वॉइस मेरी खराब हो चुकी है बहुत बुरी तरह से, आज अगर मैं आपको दिखाऊं आज भी मेडिसिन चल रही है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। ठीक है ना, आपकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, 18-18 घंटे के वर्क कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, और एक भैया जी की कमेंट थी, वो कह रहे थे कि जो रमेश थापर बस इस ये जो है मद्रास वाला, इसमें सर ये कौन सा पूछ रहे थे कि उनका कन्फ्यूजन था कि सर इसमें 9050 है या 9052 है, तो इसमें 9050 है, तो मैं आपको लो दिखा देता हूँ, आप जो श्योर हो जाओगे। ये रही हमारी गाइड, मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना, ये रहा, ये देख लेना अच्छी तरह से, ये रही हमारी रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य AIR 9050 SC, ये रहा। ठीक है ना, ये 9050 है, और ये मैसेज उन बच्चों के लिए भी है जो ये कहते हैं ना सर आप यूनिक से कराते हो, भाई साहब ये रही, ठीक है देख लेना ये कौन सा यूनिक है हमारा। ठीक है, इतना मोटा यूनिक आता है कोई, ठीक है ये यूनिक है, देख लेना भैया। ठीक है, इस गाइड में से आपकी प्रिपरेशन हो रही है, और ये रमेश थापर वालों का ये सॉल्यूशन हो गया है, और भैया जो बॉयज की थोड़ी परेशानी चल रही थी आगे से, और थोड़ा और कोशिश करूंगा आगे से ये जो बॉयज वाली परेशानी है वॉइस वाली ये थोड़ी अच्छे से आए। मैं दवा खा रहा हूँ, अभी मैं दवा खा के ही थोड़ा आपसे टॉक करने लगा हूँ। ये तो हो गया हमें कौन कौन से पेपर अब पढ़ने हैं, अगर इन वीडियो को भी आप देखोगे तो आप मोटा मोटा देख अब से पहले तो देख ही रखी होंगी, आप मोटा मोटा सिर्फ इन्हीं की तैयारी कर लेना, आपके 50 से 70 नंबर आ जाएंगे। दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर करने जा रहे हो तो आपके लिए अगर ये नॉलेज आप पे नहीं है तो आपका पेपर पूरा बेकार हो जाएगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में हमेशा बोलते हैं कि 3 से 4 पेज तक का अपना लॉन्ग क्वेश्चन करो, ठीक है, लेकिन भाई एक बात याद रखना, इस वाले पेपर में आपको कम लिखना है, कितना कम लिखना है और सटीक लिखना है, कम लिखना है, सही लिखना है, बिल्कुल राइट, और केस का और आर्टिकल का अच्छे से क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, बकवासबाजी इसमें बिल्कुल नहीं करनी है, इधर की उधर नहीं माननी है, इधर की, तो भाई ये है हमारी संविधान, क्या है आर्टिकल, इसमें दिए गए हैं बिल्कुल सटीक चीज है। अगर आप एक क्वेश्चन इधर से उधर करते हो पूरी रिदम बिगड़ जाएगा, आपके नंबर कटेंगे। लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट हो, कम लिखना है और सटीक लिखना है, ठीक है ना, कम लिखना है, सटीक लिखना है, और भैया कॉपी पे राइटिंग थोड़ा अच्छे से लिखना है, दूर दूर लिखना है थोड़ा, और लाइनों का गैप दे दे के लिखना है, ठीक है ना, ब्लैक ब्लू का इस्तेमाल करना है। ये थी आज की नॉलेज, ठीक है ना, और मैं अगर आपका कोई डाउट है, बच्चे कह रहे हैं टॉट वाली वीडियो देखो, इसमें और एक चीज और समझ लो, टॉट के लिए अब से पहले मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन में डाल चुका हूं, अगर 1-2 क्वेश्चन और आपके जो हैं वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। टॉट के लॉन्ग क्वेश्चन में डाल चुका हूं 5, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो आपको और दे दूंगा कल, सही है, टॉट की भी आप तैयारी करते रहना। ठीक है, परेशान ना होना, हमारे प्लेलिस्ट में जाके, वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से टॉट की वीडियो देख सकते हो कल। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप अच्छे से पेपर करके आओ, गॉड से प्रे करूंगा, अच्छे से प्रे करें, अल्लाह से करूंगा,
आप अच्छे से कामयाब हों, ठीक है ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।